बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसा है आप? उम्मीद करते हैं आप सब से होंगे, जान है कुछ हमेशा अच्छा मुस्कुराते रहें, अपनी फैमिली के साथ शादाबाद रहें। इस नेक दुआ के साथ आज का ब्लॉग करते हैं। आज के ब्लॉग में वैसे तो हम बना रहे हैं जी आलू वाले पराठे, वो भी रात के टाइम पे। हमारी जो फरमाइश थी सारम साहब की कि रात को हमें आलू के पराठे चाहिए, वो बना रहे हैं, जिसके लिए आलू बॉयल होकर छील चुके हैं। और साथ में ये मैं आज को आपको बना के दिखाऊंगी एक मीठी रोटी, और बहुत ही मज़े की होती है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। सर्दियों में अमूमन ये हमारे लोग गाँव में लोग बना के रख लेते हैं और मज़े से खाते हैं, चाय के साथ खा लें या वैसे सुबह खा लें। तो उसके लिए मैंने इतना आटा लिया अपने मुताबिक, क्योंकि थोड़ी सी बना रही हूँ। इसके अंदर पहले तो मैंने गुड़ को सही तरह से वो कर लिया था, पानी में पका लिया था, क्योंकि इससे चीनी से नहीं बनती, ये गुड़ से बनती है। तो गुड़ को इस तरह मैंने पानी डाल कर उसको उसमें कर दिया। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा घी, जो हम आटे के अंदर डालेंगे, जितना आटा होगा उतना हम घी डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे पहले, बहुत अच्छे से मिला लेना है आटे को। आटे को अच्छे से घी में मिला लिया है, ये बहुत अच्छे से मिल गया है। इसके अंदर सौंफ डाले हुए हैं, इसमें सौंफ का जायका आएगा, तो इसे अब थोड़ा थोड़ा डाल के गूंदेंगे। पानी को इतना ठंडा करें कि हाथ ना जले आपका। चारों पूरा तो साफ कर लेते हैं, जब चालू खेगी किसी टाइम भी बल्लू घड़ी डाल सकती है, बटा चीज पर अच्छे से गमले में सटी का और पर साथ जाए और छत पे पड़ा। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी डालूंगी सूजी, आटा मेरा तैयार हो रहा है, बंदे हमारे घर के लड़ रहे हैं मोबाइल पे, हांडी बनाने इनको सही तरह से आता रही थी, मोबाइल पे दोनों लड़ रहे हैं। आटा जो है तैयार हो रहा है इसको ऐसे करके। तो इसके अंदर मैंने एक कप सूजी ले ली है, सूजी को ऐड करके इसको भी इसके साथ गूंद लेना है। इसको अब सबको मिक्स कर लेंगे, ये डो जो है बहुत ही थोड़ा सा इसको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब ये तैयार हो जाए तो ये बताता है कि अब मैं तैयार हो गया हूँ पकने के लिए। तो जी जनाब, हमारा आटा हो गया तैयार। तो इसके लिए मैंने इसकी छोटी छोटी गोलियाँ पहले बनानी है ऐसे, ठीक है, और फिर इसको हमने हाथ से इतना पतला कर लेना है जितना आपको पसंद हो। ये जितनी पतली होगी इतनी मज़े की और अंदर से मज़े की बनेगी। ये जो है ऐसे करके बेलनी से नहीं बेलेंगे, क्योंकि बेलनी से बेलने से ये सही अच्छी चिपक जाती है, क्योंकि ये इसमें ये शीरे से गुंदा हुआ है गुड़ के पानी से, तो ये चिपक जाती है ऐसे इसको। अब हमने घी अपना गर्म कर लिया है, इसको हम और बारीक थोड़ा सा करते हैं। ये जी ये साइज़ मैंने रखा है, आप इससे बड़ा साइज़ रखना चाहते हैं तो बड़ा भी रख सकते हैं, अगर छोटा रखना चाहते हैं तो छोटा भी रख सकते हैं। अगर इससे आप अच्छे से कोई फूल वगैरह के वो बना के बच्चों के लिए तो वो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मेरे पास वैसे चीज़ें नहीं हैं जिससे मैं वो बनाऊँ, अब हल्के से ख़रीद के रखूँगी तो फिर ऐसी चीज़ें बनेंगी। तो अब इसको हम डालते हैं जी घी के अंदर, ये
हल्के चूल्हा जरा हल्का कर देंगे हम, सोना चिमटा मिलेगा। अच्छा तो इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे पकेगा, हमारा घी जरा गर्म हो गया। घी काका बोलो इससे हम छोटी छोटी रोटियां बना के हम घी में डालते जाएंगे और ये पकती जाएंगी। ये देखिए जिस जितनी मतलब एक कलर आप उनको देना चाहते हो, ज़्यादा डार्क रेड करके देना चाहते हो या फिर हल्का लाल रखना चाहते हो, उसके मुताबिक आप इनको तले। ये देखिए ये फूल भी जाती हैं, ये अंदर से ऐसे फूल जाती हैं। ये देखें अब इसको हम सुराख ऐसे कर ताकि इसके अंदर से जो भी है इसके अंदर भी घी जाए और वो पक जाए। लेकिन ये खाने में भी बहुत ही मज़े की होगी और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा क्योंकि मैं घी रखना चाहती हूँ, घी के साथ रोटी बनाऊँगी। ये देखिए ये शेप शक्ल आई है इसकी और ये बहुत ही खूबसूरत। तो इसे आप कम रखना चाहते हैं तो आप इसे कम भी रख सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत इस पर करनी पड़ती है क्योंकि अब ज़रा सा मौसम चेंज हुआ है तो ये जो चीज़ें हैं ये जी साथ साथ हम इसको फ्राई ऐसे करते जाएंगे। अगर बड़ा फ्राई पान हो या फिर बड़ा आपके पास चीज़ हो तलने के लिए तो उसमें आप दो दो तीन तीन भी डाल सकते हैं रोटियां या फिर जो साइज़ आप इनका बनाना चाहें। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, मैंने आपको पहले भी इसका बताया है कि ये बहुत ही अच्छी है, सेहत के लिए भी अच्छी है और वैसे भी मीठी है। हाँ कोई लोग कहेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा तेल है, तो इसको आप तवे पे भी बना सकते हैं, कोशिश करके इसके ऊपर घी बिल्कुल कम लगाया जाए। तो हमारे जो है हमारे घर में ये इस तरह पसंद है तो मैं इसलिए मैं इस तरह बना रही हूँ। तो साथ में हमारे जी आलू का मसाला भी तैयार हो रहा है। आलू का मसाले की सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, सना साथ में रहते के लिए भी रेडी कर रही है। थैंक यू बाबा, अब थैंक यू बोलो, थैंक यू पहले बोलो, सलाम करो बाबा, थैंक यू बोलते हो। मैं रोटियां बना के रख रही हूँ साथ में ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। ये देखिए ये बहुत ही मज़े की चीज़ तैयार हो रही है। मैं बार बार ये बता रही हूँ कि आपको इसको अपने मुताबिक जैसे आपका साइज पसंद हो आप वैसा ही बनाएं। मेरा मैं मतलब हम इतना बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो आप वैसा बना सकते हो। ये देसी देसी से चीज़ें हैं, अगर आप सब लोगों को सब यूट्यूब फैमिली को पसंद आएँ तो प्लीज़ हमें बताएं ताकि हम कोशिश करें कि कुछ और गांव की ऐसी सौगातें हैं जो आपके सामने आएँ और आप बना के और सेहत वाली चीज़ें खाएं। गांव के लोग जल्दी बूढ़े इसलिए नहीं होते कि वो ऐसी चीज़ें खाते हैं, बाज़ार की चीज़ें बेकरियों की चीज़ें नहीं खाते, और यहाँ के लोग जो कहते हैं ले इतना की ईद इतना सी, तो ये जो है ना अच्छी चीज़ें हैं। देखिए बहुत ही प्यारी फूल रही है ये। अस्सलाम वालेकुम,
अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैणा ते भरावो, खुश रहो, आबाद रहो, वसदे रहो, हंसते रहो, आबाद रहो, अरशाद रहो। सर अज बच्चे की फरमाइश हुई है, मतलब आलू पराठे की। सर आलू पराठे की फरमाइश हुई है तो वह इंशाल्लाह जनाब तैयार कर रहे हैं। ये मेरी बेटी है सना, ये साथ हेल्प कर रही है जनाब। तो उस तो बाद इंशाल्लाह देखो जनाब अच्छे पराठे बनने हैं जी। अल्लाह खैर की पीता जनाब, नाल रहता होएगा पुदीने की चटनी नाल दही मैच करके सर इंशाल्लाह खाएंगे तब। हाय हाय क्या कहना। तो जी जनाब पराठा आपने देख लिया, गिराज और सना पराठे तैयार कर रहे हैं, अब साथ साथ ही बच्चे खाते जाएंगे और इतने में जब घर में जो हैं वो खा के फारिग होंगे तो दूसरे भी आ जाएंगे। रैतिक के लिए मैंने सना से ये बनवा ली थी चटनी, अभी मैं दही डाल के तो उसको रैता इनको तैयार करके देती हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना मैं पहले ब्लॉग का एंड कर लूँ कि देर हो रही है। तो ये जी हमारी वैसे ख़ास रेसिपी तो ये थी, मीठी रोटी और ये बहुत ही मज़े की होती है। इसको सेव भी करके हम रख सकते हैं एक जार में, थोड़ा सा इसको अगर तोड़ लिया जाए या फिर छोटे पीस में बना लें तो उसको जार में सेव करके रख सकते हैं टिश्यू में लपेट के, ये काफ़ी दिन तक सेफ रह सकती है। तो इसके साथ ही जी हम चाहेंगे इजाज़त, ये बनाएं खाएं और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। तो कल के लिए फिर चाहते हैं जी इजाज़त, जो भी बनाएंगे आपके हाज़िर हो जाएंगे। जहाँ रहें कुछ रहें, हमेशा सर मुस्कुराते रहें, अपनी फैमिली के साथ शादाबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।